हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिएजेंट की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं नए रिएजेंट की जिसका नाम है जिंक डस्ट, है ना। तो फटाफट देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन देता है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं आज हम फटाफट, है ना। तो पहला रिएक्शन जो इसकी होती है वो होती है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन होती है डीऑक्सीजनेशन। डीहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन। कितने हैलोजन एटम रिमूव करता है? दो रिमूव करता है। किस फॉर्म में? ज़ेलेन H2 के फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो मेरे पास ऐसा है कि डिसनर डाइहाइड है, यहां पर दो एडिशन कार्बन एटम के पास आपका क्लोरीन क्लोरीन है, है ना। जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर जिंक आएगा और इन दोनों को लेके चला, तो ZnCl2 आपका निकल जाएगा यहां से, है ना। अब क्या रहेगा, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इसे कह सकते हो आपस में बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन के पास इसका फ्री है, इससे पास फ्री बॉन्ड बना लेगा, ऐसा आप कह सकते हो। समझ में आ रही बात? अगर बात की जाए ऐसा है कि आपके पास डीऑक्सीजनेशन की बात की जाए तो हम बोलते हैं सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप इसको यू बोल सकते हैं सर रिडक्शन हो रहा है। तो आपका जैसे रिमूव ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ ZnO, क्या करता है जिंक इस ऑक्सीजन को यहां से ले जाएगा और मेरे पास हमें जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ उसे बेंच। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास ऐसे दो तरह की रिएक्शन आती है, डीहैलोजिनेशन जिसके अंदर मेरे पास क्या रहता है रिमूवल ऑफ हैलोजन, और यहां पर अगर बात की डीऑक्सीजनेशन में मेरे पास क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आ जाइए। जैसे कि मेरे पास रिएक्शन देने की, इस रिएक्शन में जिंक डस्ट के साथ करानी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराने पर जिंक आएगा, ये दो Cl ले जाएगा और मेरे पास इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए तो जिंक डस्ट की, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जिंक आएगा, दो Cl को ले जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में वापस क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, तो यहां से आपका जिंक ZnCl2 निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इन द सेम यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो इन दोनों के कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए, बॉन्ड आना चाहिए। तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऊपर लग सकती है, पर आपका से कंपाउंड बनेगा जो कि बाईसाइक्लो प्रीफिक्स के साथ चलेगा, ठीक है। मेरे सबसे नेमिंग आती होगी, आती है बाईसाइक्लो प्रीफिक्स के साथ में, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो ये ZnCl2 आपस निकल गया, इस वाले और उस कार्बन के बीच में आपस क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। इसके और इसके बीच बॉन्ड बनाएंगे तो मेरे पास ऐसा है कि देखा जाए बीच वाला कार्बन मैंने इस तरह से लिख लिया, ये वाला कार्बन इस तरह से, ये वाला कार्बन इस तरह से, इन बीच में बॉन्ड बन जाएगा फर्स्ट और थर्ड के बीच में, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे जेम डाइहाइड है, जेम मतलब समझ लो ये रहा जेम, ठीक है, ये ब्रेड, ये ब्रेड, समझ मेरे पास। जब मेरे पास ऐसा है कि एक कार्बन के ऊपर दो मेरे पास हैलोजन अटैच रहते हैं, उसको जेम डाइहाइड बोलते हैं, जेम जैसे जेम को ब्रेड के बीच में लगता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर आपके पास समझने के लिए सब, है ना, कॉन्सेप्ट क्या नहीं है। अच्छा ध्यान से देखते हो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि रिएक्शन मेरे पास होता है विसिनल डाइहाइड के साथ में, मैं क्या करूंगा इसके दो बॉन्ड्स ले लूंगा, क्या ले लूंगा इस तरह से, यहाँ पे भी मैंने सीएल लगा लिया, यहाँ पे सीएल लगा, तो यहाँ से एक जिंक के साथ में ZnCl2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक ZnCl2 यहाँ से निकलेगा, जो मेरे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा, मेरे पास ऊपर बना रहा हूं मैं, तीन कार्बन इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका, और यहाँ पे मेरे पास ऐसा तीन कार्बन, ठीक है। तो मेरे पास क्या हेक्स थ्री हो गया, क्या हो गया ये H3N, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अच्छा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं फटाफट, और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है ना, कि जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि फाइव कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, स्ट्रेच मुझे जिंक डस्ट के साथ करानी, तो मैं बोलूंगा ये वाला पेयर, ये कार्बन कार्बन अटैच हो जाएगी, यहाँ से ZnCl2 निकल जाएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ, तो मैंने ये दो कार्बन जैसे कैसे रखे, इस कार्बन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ये वाला कार्बन ऐसा, यहाँ पर सीएल था एक्चुअली, यहाँ पर भी सीएल था, दोनों उड़ गए और ये मेरा फिफ्थ कार्बन था, है ना, 1 2 3 4 5, समझ लो ये 1 2 3 4 5, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपका सिद्धांत किस बन जाना चाहिए, बॉन्ड, तो आपका से जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, लाइक दिस आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन आप कह सकते हैं, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन जो भी आपको पता है। नेक्स्ट मेरे पास जो स्ट्रक्चर आ रही है, मेरे पास यहाँ पे ऐसा है कि बेंजीन के ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं इस तरह से, और इसकी रिएक्शन में जिंक डस्ट के साथ में क्या करता है, जिंक डस्ट
डीऑक्सीजनेशन सिंपल से मेरे पास क्या रह जाएगा बेंजीन। भले आपके पास कितने भी ओएच ग्रुप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं अगर आपको बोलूं मैं कि मेरे पास यहां पे ऐसा है कि तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं मुझे इस तरह से, फिर क्या होगा जिंक जैसे रिएक्शन कराने पे मैंने कहा वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि तीनों ओएच खत्म तो मेरे पास अब क्या बचेगा बेंजीन। तो आसान सी चीजें मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद रखना है दो तरह की रिएक्शन देता है, डीहैलोजिनेशन और रिमूवल ऑफ हैलोजन इन द फॉर्म ऑफ ZnH X2 और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलिए